चलिए नजर डालते हैं खबरों के सुपर फास्ट बुलेटिन पर। WHO ने किया नए फाउंडेशन का ऐलान, महामारी से निपटने के लिए की जाएगी फंडिंग। बड़े देशों के साथ साथ आम जनता भी कर सकेगी मदद, WHO के डायरेक्टर ट्रेड्रोस ने की घोषणा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की मध्यस्थता की पेशकश और कहा, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता को तैयार, हमने दोनों को किया सूचित, वो चाहे तो अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार। तो वही मध्यस्थता की पेशकश पर एक्सपर्ट्स ने उठाए सवाल, दोनों देशों की ओर से फिलहाल मामला शांत। ट्रंप के प्रस्ताव पर भारत चीन ने नहीं दी कोई भी प्रतिक्रिया। अमेरिका के उगुर मुस्माली से जुड़ा हुआ बिल किया पारित, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा विधेयक, अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका। फेक ट्वीट के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतरे मार्क जुकरबर्ग, मार्क ने दी ट्विटर को नसीहत, ट्रंप के दो ट्वीट के साथ फैक्ट चेक रिपोर्ट चस्पा करने को बताया गलत। खराब मौसम के कारण एक बार फिर उम्मीदों पर फिरा पानी, नासा ने रोका ह्यूमन स्पेस मिशन, स्पेसएक्स के ऐतिहासिक लॉन्चिंग का समय 3 बार, पहली बार किसानों को ले जा रहा था निजी कंपनी का स्पेसक्राफ्ट। कोरोना महामारी के दौर में चीन ने नए नाम दिया माउंट एवरेस्ट, यात्राओं पर कई तरीके के प्रतिबंध के चलते चीन के शोधकर्ताओं की टीम ने किया कारनामा, चीन के 8 सदस्यीय सर्वेक्षण दल तिब्बत के रास्ते पहुंचा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 4 मीटर कम होने का किया दावा, चीन के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844.43 मीटर जबकि नेपाल ने नापी थी 8,848.13 मीटर ऊंचाई। एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी क्षति, अमेरिका कंपनी बोइंग ने निकाले 12,000 कर्मचारी, इस हफ्ते 6,770 कर्मचारियों को निकालेगी कंपनी, वहीं 5,520 कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का चुनाव विकल्प। कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम, पुलवामा जैसे बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी, सुरक्षा बलों ने 20 किलो एक्सप्लोसिव के साथ भरी कार का पता लगाकर किया डिफ्यूज। पुलवामा पुलिस को एक हफ्ते से मिल रहे थे आतंकी हमले के इनपुट, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मिलकर करना चाहते थे आत्मघाती हमला, लेकिन पुलवामा पुलिस ने सीआरपीएफ आर्मी और एसओजी पार्टी के जरिए की घेराबंदी। बांग्लादेश के एक अस्पताल में कोरोना इकाई में लगी भीषण आग, घटना में महिला समेत 5 लोगों की हुई मौत, आग लगने के कारणों का फिलहाल नहीं हो पाया है खुलासा। कांग्रेस के स्पीकअप इंडिया अभियान का आगाज, दिग्गजों ने अभियान के जरिए केंद्र सरकार को घेरा, पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर की केंद्र सरकार से मांग, गरीबों के खाते में डाले केंद्र सरकार ने 10,000 रुपए नगद। प्रवासी मजदूरों के पलायन के मसले पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, मोदी सरकार से मजदूरों के लिए खजाना खोलने की लगाई गुहार, हर परिवार को 6 महीने तक 7,500 रुपए प्रतिमाह देने की मांग। सोनिया गांधी ने कहा, पिछले 2 महीने कोरोना वायरस के कारण पूरा देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, आजादी के बाद पहली बार दर्द का मंजर सबने देखा, लाखों मजदूर नंगे पांव भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने के लिए मजबूर, उनकी पीड़ा सिसकी को देश के हर दिल ने सुना लेकिन शायद सरकार ने नहीं। स्पीकअप इंडिया अभियान के तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने की केंद्र सरकार से 4 मांग, वीडियो संदेश जारी कर देश की जनता से किया आह्वान, ये हर भारतीय के लिए एक साथ एक स्वर में खड़े होने का समय है। राहुल गांधी ने कहा, अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हमारे भाई और बहनों के लिए, जिनकी आवाज की खामोश निराश और भयभीत लोगों के लिए, हमें भी उठानी होगी आवाज, हम भारत हैं, हम सभी को कार्य मिलकर करना होगा कुछ अलग। स्पीकअप इंडिया अभियान के तहत राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने केंद्र सरकार से की अपील, सोशल मीडिया पर पांडे ने वीडियो के जरिए रखी मांग, गरीबों के खातों में केंद्र सरकार डाले 10,000 रुपए। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर रखी अपनी बात, कहा, आयकर की सीमा में नहीं आने वाले हर परिवार के खाते में केंद्र सरकार डाले 10,000 रुपए, तो वहीं मनरेगा में रोजगार दिवस 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए।
पिकअप इंडिया अभियान के तहत चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर की अपील। केंद्र सरकार गरीब मजदूर और मध्यम व्यवसाय की करे मदद, श्रमिकों को निःशुल्क घर पहुंचाने की करे मदद, मनरेगा में भी कार्य दिवस बढ़ाने की मांग। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। कोरोना से 57 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित तो 3,50,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, तो वहीं 24,97,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। भारत में भी बड़ा कोरोना का ग्राफ। कोरोना मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार, तो अब तक 4,531 लोगों ने गंवाई जान, तो वहीं 67,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। दिल्ली के आसूला में लॉकडाउन का उल्लंघन। धार्मिक आयोजन के मामले में दाती महाराज को किया गिरफ्तार। आयोजन में शिरकत करने वाले लोगों पर भी होगी कार्रवाई। भारत के कई राज्यों में टिड्डियों का आतंक। लाखों करोड़ों टिड्डियों ने किसानों को किया परेशान। भगाने के लिए किए गए कई इंतजाम, सभी इंतजाम हुए बेअसर। टिड्डियों के अटैक को लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में अलर्ट जारी। यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में घुसी टिड्डियां, किसानों के चेहरे पर शिकंज, तो प्रशासन टिड्डियों के प्रसार को रोकने में जुटा। वहीं यूपी के बुंदेलखंड में भी टिड्डियों का हमला। दतिया, झांसी और ललितपुर के कई गांवों पर बोला धावा। रबी की फसल समेत सब्जियों को हुआ भारी नुकसान। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। अयोध्या ढांचा विध्वंस केस में अभियोजन पक्ष गवाही पूरी। लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह समेत 32 आरोपी कोर्ट में तलब। कल दर्ज किए जाएंगे बयान। अजय देवगन ने शुरू किया मिशन धारावी। 700 परिवारों की कर रहे हैं मदद। अजय देवगन ने ट्वीट कर अन्य लोगों से भी धारावी के लिए आगे आने की अपील। मुंबई में धारावी कोविड-19 का बना हुआ है मुख्य केंद्र। करोड़ों रुपए का दान करने के बाद में अक्षय कुमार, दिहाड़ी मजदूरों का बने सहारा। दिहाड़ी मजदूरों के खातों में भेजे 45 लाख रुपए। मदद के लिए सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने 45 लाख रुपए का दिया योगदान। सलमान खान की जिंदगी से वाकिफ हो सकेंगे फैंस। लॉकडाउन में शुरू होने वाला है सलमान खान का हाउस ऑफ भाईजान शो। शो में क्वारंटीन रहते हुए उनकी जिंदगी से फैंस को किया जाएगा परिचित। कोरोना कहर से लागू लॉकडाउन के दौरान सलमान खान अपने फार्म हाउस पर रह रहे हैं। क्वारंटीन में भी सलमान खान अपने काम को लेकर काफी एक्टिव नजर आए। लॉकडाउन में रिलीज किए 2 गाने, तेरे बिना और भाई भाई। मास्क लगाकर भाई के साथ जरूरी सामान खरीदने पहुंची श्रद्धा कपूर। भीड़ में पहचान में भी नहीं आई। श्रद्धा कपूर ने भाई सिद्धार्थ कपूर के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक सेल्फी की शेयर। पर्यावरण को बचाने के लिए एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की नई पहल। भामला फाउंडेशन और पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर मिलाया हाथ। कोरोना के बीच भूमि को सताई पर्यावरण की चिंता। ट्विटर पर ट्रेंड हुई धोनी के रिटायरमेंट की खबरें। पत्नी साक्षी ने बताया अफवाह, लॉकडाउन में लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ा। हालांकि थोड़ी देर साक्षी ने हटाया अपना ट्वीट। आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज। इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के टलने पर होगा फैसला। 3 विकल्पों पर हो सकती है चर्चा। आईपीएल का रास्ता हो सकता हिस्सा। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का शेड्यूल तय। 3 दिसंबर को ब्रिस्बेन में पहला मैच, एडिलेड में होगा डे नाइट टेस्ट। दिसंबर जनवरी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 4 टेस्ट और 3 वनडे की सीरीज। सिरोही के पिंडवाड़ा में बिनानी बाईपास पर एक ढाबे के पास शव मिलने से फैली सनसनी। नाना थाना क्षेत्र के कालीबोर निवासी मोगाराम के रूप में हुई शिनाख्त। मौत के कारणों का फिलहाल नहीं हो पाया खुलासा। पुलिस जुटी मामले की जांच में। बांसवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव महिला की बाथरूम में फिसलने से मौत। राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में हुआ हादसा। माइल्ड लक्षण होने के कारण प्रोटोकॉल के तहत अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में किया गया था भर्ती। राजसमंद के देवगढ़ में शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रांसफार्मर में लगी आग। लगने से हड़कंप पर दमकल की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काया काबू। स्थानीय लोगों ने लगाया बिजली कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। जयपुर के चाकसू में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। सांगनेर के सुखपुरिया निवासी हनुमान सहाय के रूप में हुई शिनाख्त। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाली के सुमेरपुर में उपखंड अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप। पावा सरपंच ने की जिला कलेक्टर से शिकायत। उपखंड अधिकारी ने शिकायत को दिया झूठा करार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया सिविल हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण। मरीजों से बातचीत कर लिया व्यवस्थाओं पर फीडबैक। साफ सफाई की व्यवस्था को और अधिक बेहतर करने के दिए निर्देश। यूपी के मैनपुरी में जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच हुई फायरिंग। झगड़े में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल। सभी घायलों का इलाज जारी। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में टेम्पो निकालने को लेकर हुआ विवाद। लाठी भाटा जंग में 2 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल। हरदुआगंज के जलाली कस्बे में तनाव का माहौल, तो वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन ने किया भारी जाब्ता तैनात।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमित ने किया हंगामा, फरार होने की कोशिश में गार्ड पर किया हमला, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किया हालात को काबू। पाली के सुमेरपुर में भामाशाहों ने संभाला मोर्चा, कोरोना वॉरियर्स को भेज के सुरक्षा किट, एसडीएम राजेंद्र सिंह सिसोदिया भी रहे मौजूद। जयपुर में वेस्ट जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बगरू में युवक की हत्या का हुआ खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर ही की अपने पति सुरेश की हत्या, पुलिस ने किया दोनों आरोपियों को गिरफ्तार। सीकर के फतेहपुर में चोरी की वारदातों का पर्दाफाश, पुलिस ने गैंग के सरगना समेत चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, लाखों रुपए का चोरी किया हुआ सामान और वारदात में काम में ली गई गाड़ी को भी किया बरामद। चौक रिवाई में बगड़ी प्यावड़ी रोड पर मिला युवक का शव, देवनारायण गुर्जर के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त, एफएसएल टीम ने जुटाए मौके से साक्ष्य, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौर के रानीवाड़ा में किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन, भारतीय किसान संघ ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन, किसानों की समस्याओं को दूर करने की मांग। तिलंगना के मृदक में दर्दनाक हादसा, बोरवेल में गिरने से 3 साल के मासूम की हुई मौत, 12 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन।